दोस्तों राजू के टाइम पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं आज के वीडियो हम लोग दिखाएंगे पल्टन बाज़ार से कामाख्या मंदिर का गेट तक कैसे जा सकते हैं, वही दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग पल्टन बाज़ार से निकल गए। ये देख सकते हैं ये पल्टन बाज़ार है, ये दोनों तरफ मार्केट है, मार्केट के साथ में होटल भी है, बीच बीच में होटल है, मार्केट है। और दोस्तों ये हम लोग सीधे जा रहे हैं, ये हो गया जीएस रोड। दोस्तों ये यहाँ पे जीएस रोड में यहीं पर पल्टन बाज़ार में शिलोंग का सोमो टैक्सी मिलता है, शिलोंग जाने के लिए टूरिस्ट गाड़ी सब कुछ मिलता है, सब जगह जाने के लिए देख सकते हैं। तो यही लेफ्ट साइड में देख सकते हैं दोस्तों, ये शिलोंग का सोमो भी लगा हुआ था। और ये दोस्तों ये है जीएस रोड में लेफ्ट साइड में ये बस स्टैंड है, यहाँ से आप कोई भी जगह जा सकते हो। ये लेफ्ट साइड में जा रहा है जो रोड, यही रोड गणेशगिरी खानापारा बेलतला यही रोड से जाती है। तो दोस्तों हम लोग आज उस तरफ नहीं जाएगा, हम लोग जाएगा कामाख्या मंदिर का गेट तक, कामाख्या टेम्पल का गेट तक जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम लोग ये राइट ले लिया, राइट में आने से ये सामने में नेपाली मंदिर दिख रहा है। ये नेपाली मंदिर का अगर हम लोग लेफ्ट साइड से जाते हैं, लेफ्ट साइड में आपका लोखरा रोड है, नेशनल हाईवे 27 रोड, या तो आप लोग आईएसबीडी में जा सकते हो, बस स्टैंड जो है आईएसबीडी का बस स्टैंड, तो वहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से बस मिल जाएगा। यही नेपाली मंदिर का एकदम सामने से अपोजिट साइड में देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये बस लगा हुआ है। तो हम लोग इस तरफ भी नहीं जाएगा, लोखरा की तरफ नहीं जाएगा, वो लेफ्ट साइड में हो गया लोखरा रोड। तो हम लोग को नेपाली मंदिर से राइट साइड में जो रोड दिख रहा है आप लोग, यही रोड में हम लोग को जाना है। तो यही नेपाली मंदिर का सामने से दोस्तों आप अगर आप लोग बस में कामाख्या टेम्पल का गेट तक जाना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग को बस मिलेगा, डायरेक्ट टेम्पल के लिए नहीं मिलेगा, आपको गेट तक के लिए मिलेगा। जाके आपको कामाख्या गेट में उतर जाना पड़ेगा, उतर के वहाँ से दूसरी गाड़ी करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग को बस में उठना पड़ेगा, यहाँ से बस ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को बस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अभी राइट जा रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट जाने से अभी हम लोग जा रहा है कामाख्या मंदिर का गेट तक जाए। तो पल्टन बाज़ार ही है, पल्टन बाज़ार के राइट साइड में है, नेपाली मंदिर से राइट साइड में है। यहाँ पर होटल भी है, चार पाँच होटलें भी है। तो यहाँ से पल्टन बाज़ार के साइड में है, नज़दीक में है। तो यहाँ नेपाली मंदिर से राइट साइड में आना पड़ेगा, तभी आप लोग को मिल जाएगा ये होटल है। तो दोस्तों हम लोग जा रहा है वही कामाख्या मंदिर का गेट तक। तो यही होटल वगैरह आ गया, यहाँ दिखा दिया, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है दोस्तों, ये गोरिया मठ है, ये गोरिया मठ देख सकते हैं। तो इसी से थोड़ा आगे जाएंगे तो ये चार चराई आएगा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है ट्रैफिक सिग्नल, यही है, ये चार अली का चार चराई है। चार चराई से अगर राइट साइड है तो वही पल्टन बाज़ार 8 नंबर गेट मिलेगा, और पर हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट, देख सकते हैं दोस्तों ये है लेफ्ट साइड में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में जाते हुए एक आएगा यहाँ पे बिगल विशाल मेगा मार्ट का सामने से ये एक ओवरब्रिज गया है राइट साइड में, उसमें जाने से आप लोग को फैंसी बाज़ार या पान बाज़ार या आपका ये मिलेगा जैसे उमानंद टेम्पल का ये भी मिलेगा, फेरी घाट मिलेगा। तो ये देख सकते हैं ये है विशाल मेगा मार्ट का, ये विशाल मेगा मार्ट है। हम लोग यहाँ से विशाल मेगा मार्ट से सीधा जाएंगे तो कामाख्या गेट मिलेगा, कामाख्या मंदिर का जो टेम्पल का जो गेट है वही मिलेगा। तो हम लोग सीधे जाएंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये राइट में आएगा ये एक रोड ओवर ब्रिज का ऊपर से, ये देख सकते हैं दोस्तों ये है राइट साइड में, ये पान बाज़ार फैंसी बाज़ार जा सकते हैं, उमानंद टेम्पल के लिए भी जा सकते हैं इसी रोड से। तो हम लोग उस तरफ नहीं जाएगा, हम लोग जा रहे हैं सीधे दोस्तों कामाख्या टेम्पल के गेट तक जाएंगे। हम लोग ऊपर तक नहीं जाएंगे, गेट तक ही जाएंगे। कहाँ पे बस से उतरना पड़ता है वही दिखाएंगे आज दोस्तों, देख सकते हैं। तो हम लोग अभी यही रनिंग में हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों हम लोग का मेरा ये वीडियो का देना का ये एक मकसद है, क्या जैसे कोई बाहर से आदमी आते हैं जो कोई कामाख्या टेम्पल या किससे किस जगह से उठना पड़ता है, किस जगह से मतलब बस से उतरना पड़ता है, बस में उठना पड़ता है, वही जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग अभी सीधे जा रहा है कामाख्या मंदिर कामाख्या टेम्पल का गेट तक जा रहा है सीधे। तो इसी रोड में ये दोस्तों हो गया, ये हो गया आपका 80 रोड। तो 80 रोड में जहाँ आपका ये मिलता है मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, होलसेल होता है यहाँ पर, सारे होलसेल है। तो देख सकते हैं ये मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं 80 रोड में, ये सारे मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं दोनों साइड में। और हम लोग सीधा चल रहे हैं,
अभी भी 80 रोड क्रॉस नहीं किया, तो देख सकते ये अभी 80 रोड का ये टोकोबारी ब्रिज है, इस ब्रिज का टोकोबारी ब्रिज है और इसी से हम लोग ऊपर से जा रहे हैं। तो इसी का आगे में ये देख सकते हैं दोस्तों, ये राइट लेफ्ट साइड में ये है आठगाँव, आठगाँव मारवाड़ी मेटेनरी जाने से इसी रोड से जाना पड़ेगा। मारवाड़ी मेटेनरी हॉस्पिटल जो है इसी रोड में लेफ्ट साइड में, नीचे से जाना पड़ेगा उसका, तो ऊपर से आ गया। तो दोस्तों ये हम लोग ऊपर से जा रहा है दोस्तों, ये राइट साइड में ये है ब्रिज का, इधर से राइट साइड में दिखाई दे रहा है ये है जीएसटी भवन दोस्तों, जीएसटी भवन है केदार रोड में। तो इसी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में हम लोग राइट लेके राइट से ब्रिज का नीचे से राइट आना पड़ेगा, तब भी ये केदार रोड का ये जीएसटी भवन मिलेगा, देख सकते हैं। पर हम लोग देखिए दोस्तों, हम लोग सीधे आ गया, ये अभी हमें हम लोग काम एक थोड़ा बीच में थोड़ा काट करना पड़ा ना, तो वीडियो बहुत लंबा होता है, तो अभी थोड़ा काट कर दिया, तो सीधे रोड था इसीलिए काट कर दिया। अभी देख सकते हैं दोस्तों, इसी राइट साइड में जो पहाड़ी दिख रहा है, इसी पहाड़ी में है हम लोग का जो कामाख्या टेम्पल है, इसी पहाड़ी में है, थोड़ी से इसी पहाड़ी में साथ में लगा हुआ, थोड़ी से आगे है ये पहाड़ी इसी का साथ में, तो उसी में है कामाख्या टेम्पल। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जो ये ब्रिज बन रहा है, थोड़ा सा ये ब्रिज से करीब करीब आपको 50-60 मीटर जाने के बाद ही बस से उतरना पड़ेगा, अगर आप लोग बस में आते हैं तो इसी ब्रिज का 60-70 मीटर जाने के बाद में ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ बस में उतरना पड़ेगा। यहाँ से ये देख सकते हैं ये राइट साइड में है ये कामाख्या टेम्पल का गेट, देख सकते हैं दोस्तों यही कामाख्या टेम्पल का गेट है। यहाँ से हम लोग को मारुति वैन मिलेगा, ओमनी का जो मारुति वैन होता है ये मिलेगा, ये हमें 20-30 रुपये करके लेता है यहाँ से आपको शेयरिंग में जाने से, यहाँ से उठ के ये लोग आपको कामाख्या टेम्पल का पास में छोड़ देगा एकदम ऊपर में, करीब यहाँ से 3 किलोमीटर थोड़ी सी प्लस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 3 किलोमीटर जैसा होगा ऊपर तक, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, 200-100 मीटर ज़्यादा हो 3 किलोमीटर से, देख सकते हैं दोस्तों ये कामाख्या टेम्पल का गेट है ये नीचे में। तो दोस्तों ये नीचे का गेट के साथ ही आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।